हमारा आज का सफ़र वृंदावन से बरसाने तक का है, और बरसाने में तो बस राधे राधे होता है। तो चलो आज आपको भी ले चलते हैं पावन नगरी। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Vishal Barman and you are watching VRV Vlog. So, आज हम आए हैं बरसाना में एंड अभी हम लोग जा रहे हैं राधा रानी का मंदिर में। तो देख सकते हो क्या कीजिएगा, केदारनाथ जाइएगा तो क्या कीजिएगा। अरे देख सकते हो दोनों को थक गया कितना, देख सकते हो कितना पुराना घर है हमारे पीछे। और यहाँ पे है साक्षी गोपाल जी का मंदिर, लेकिन बंद है अभी, तो ये तो दर्शन नहीं हो पाएगा अभी लगता है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कौन सा मंदिर है। और ये अभी बंद है, वरना यहाँ पे भी दर्शन हो जाता। तो चलो जितना हम देखते हैं उतना आपको भी दिखाते हैं। बहुत मस्त लग रहा है यहाँ से एंड अभी अंदर गए नहीं है, अभी अंदर जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ऊपर देखो, ऊपर से दिखाएंगे आपको। तो चलो बरसाना, ये सिर्फ घर नहीं, ये तो सबका जीवन है। यहाँ सब अपने ही धुन में खोए रहते हैं, कोई राधे नाम में खोया हुआ है, तो कोई उनकी सेवा में, तो कोई उनकी गुणगान में, लेकिन जो भी हो सब राधे में झूमा हुआ है। राधा रानी का ये महल बरसाना गांव से 250 मीटर की ऊंचाई पर बसी है। यहां से आपको पूरे बरसाना गांव दिखने वाली है। राधा रानी की कृपा थी हम जा पहुंचे सीधे मुख्य मंदिर तक। तब द्वार खुला भी नहीं था, ना जाने कैसे निकास द्वार से हम जा पहुंचे वहां पे। अभी सबसे ज़्यादा मतलब पूरा ऊपर में आ चुका हूँ एंड ये है यहाँ से नज़ारा, कुछ बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है यहाँ से सीन। यहाँ का वाइब कुछ अलग ही है यार। देखो यहाँ से आप ये देखो, ये है मंदिर एंड यहाँ पे अभी पर्दा दिया हुआ है, अभी वो जब हटाएगा
तब फिर दिखाएंगे अच्छा से, लेकिन उधर फोटो खींचना अलाउ नहीं है तो आई थिंक नहीं दिखा पाएंगे। देखते अगर होगा तो दिखाएंगे, अगर नहीं होगा तो बस अब यहाँ से मंदिर देखो। एंड अगर आपको दर्शन करना है तो फिर आप आओ यहाँ पे आके राधा रानी का दर्शन करो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो वो देखो क्या सीन है। राधा रानी के महल से निकलने के बाद हम चल दिए कुशल महाराज जी मंदिर की ओर, और दोनों तरफ छोटे छोटे बहुत सारे दुकानें थे। और ये देखते देखते और पतले से रास्ते से हम चलते चलते पहुंच गए कुशल महाराज जी मंदिर के सामने, और वो भी बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। तो ये है स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमवर इत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभोग जन परिपाल भरिता शरजा भुक्ति मुक्ति दलिरा भूदेव पाल सीता कल्याण वैभो जा रहा, लेकिन हम जा रहे देख के आते क्या है। वैसे तो कुछ भी नहीं मिला ऊपर पहुंच के, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से पूरा महल को देखने में। पूरा अंधेरा है, हम लोग टॉर्च लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर इधर लाइट है। सना के मजा आ गया। एंड अगर आप आ रहे हो, कभी प्लान कर रहे हो ना, तो बरसाना जरूर से आना वृंदावन आ रहे हो तो। मैं वो अलग से एक व्लॉग बना दूंगा, अब व्लॉग नहीं, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ आपको जाना है, कैसे जाना है, एंड कितना आपका बजट होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए, सब मैं बताऊंगा एक वीडियो में। तो अगर ये वाला वीडियो मज़ा आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि सिनेमेटिक वीडियो इस चैनल पे आते रहता है। अगर आपको सिनेमेटिक पसंद है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो और दिखाते हैं। ए रे सखे मोरे प्रिया खर आए, ए रे सखे मोरे प्रिया खर आए, भाग लगे को भाग लगे से
अभी हम नीचे उतर रहे हैं और अभी यहाँ पे देखते हैं वो साक्षी गोपाल का भी मंदिर है नीचे, तो वहाँ पे अगर गेट खुला हुआ रहेगा तो दर्शन कराते हैं आपको भी। तो चलो यहाँ पे भी एक मंदिर है, देखो यहाँ पे हर जगह पे आपको मंदिर देखने को मिलेगा। तो चलो दिखाते हैं अभी नीचे, आई थिंक खुल चुका है। अभी हम जहाँ पे हैं ये है श्री राधा रानी के दादी बाबा, ये मंदिर है एंड यहाँ पे अभी आए हैं। देखो देख के लग रहा है यही वाला घर था, देखो कितना पुराना घर है। तो यही है मंदिर, अभी निकलते हैं, अब यहाँ से जाएंगे साक्षी गोपाल का दर्शन। तो यहीं पे है साक्षी गोपाल का भी मंदिर, यहीं पे है। तो दिखाते हैं यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये है साक्षी गोपाल, तो गाइज अभी आए हम लोग कीर्ति मंदिर और अभी टोटो से उतरे इधर और मेरे पीछे देख सकते हो ये है कीर्ति मंदिर। तो अभी अंदर जाएंगे, वो है उधर से है गेट वहाँ के। तो चलो, तो हमने अपना जूता खोल लिया यहाँ पे और अभी जाएंगे वहाँ से, एंट्री गेट है एंड ये है एग्ज़िट। तो एग्ज़िट से तो एंट्री नहीं करेंगे, अभी इस के लिए खड़े हैं, आने दो उसे एंड फिर वहाँ से एंट्री गेट है, उधर से अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको। हाथ धो लेंगे, हाथ क्यों धोएंगे, मैंने तो हाथ नहीं दिया है जूता में, मैंने छू दिया भैया। अरे मुझे भी हाथ धोना पड़ेगा, पूरा ठंडा बना, थोड़ा पानी दो भैया। तो अभी एंट्री करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में। तो चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। ये है कीर्ति माता का मंदिर, लेकिन अंदर आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है कैमरा। तो अंदर जा ही रहे थे, मतलब ऑन था कैमरा लेकिन वहाँ पे मना कर दिया लेके जाने के लिए, तो इसलिए नहीं दिखा पाए। तो अभी यहीं से आपको बाहर से दिखा दिया, आपको कैसा लगा वो बताओ। अगर आपको दर्शन करना है ना तो आपको आना होगा बरसाना एंड आपको दर्शन करना होगा अंदर जाके। एंड यहाँ पे और भी जो मतलब बरसाने का जो है मतलब माहौल कैसा रहता था वो यहाँ पे दिखाया गया है, तो वो दिखाते हैं आपको। आज हम लोग बरसाना आए थे एंड ये है पूरा बरसाना। आपने देखा मंदिर, राधा रानी का मंदिर देखा, फिर कृष्ण राधा कृष्ण का भी मंदिर देखा एंड ये है कीर्ति माता का मंदिर। तो कीर्ति मंदिर तो ये तीन आज हमने कवर किया। ये मतलब वृंदावन से आया था हम लोग बरसाना, बरसाना में ये तीन मंदिर हमने घूमा आज एंड आज राधा रानी का, साक्षी गोपाल और हाँ साक्षी गोपाल एंड फिर वो राधा रानी का दादा कुछ था ना, वो भी हमने कवर किया। तो इतना सारा मंदिर आज हमने कवर कर लिया, सिर्फ तीन नहीं। तो बस यही था व्लॉग, अगर व्लॉग पसंद आया तो क्या करना है व्लॉग को, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि लेकिन बहुत सारा मंदिर है जो हमने अंदर से नहीं दिखा पाया, जैसे ये वाला मंदिर है अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। तो अगर आपको दर्शन करना है ना तो आपको खुद आना होगा वृंदावन बरसाना, आपको आके दर्शन करना होगा, क्योंकि हम तो बाहर से दिखा सकते हैं उससे ज़्यादा मैं अंदर तो दिखा नहीं पाऊँगा। तो आप लोग आओ, अगर आपको दर्शन करना है ना तो दर्शन करना है तो आओ, आप लोग वृंदावन आओ, बरसाना आओ और दर्शन करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड ये है, आज है 25th एंड कल हम लोग को फिर जाना होगा ना, कल रिटर्न हो जाना होगा।
तो इसलिए मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, क्योंकि इतना अच्छा है, आइसबर्ग को बहुत अच्छा लग गया है यहाँ पे आके। तो फिर भी हम लोगों को जाना होगा, फिर हम लोग कभी आएंगे अगर राधा रानी का कृपा रहेगा तो फिर आ सकेंगे। श्री जी बुलाएंगे तो फिर आया जाएगा, फिर आया जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे। तो बस इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो।